A for apple. Cat. नमस्कार दोस्तों, गृह संगिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ ज्ञान सुधा। आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि शिवाय स्टडी कर रहा है, वो बुक रीडिंग कर रहा है और ये देखिए हमने ग्रेप्स तो खा ली है गुप 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 करके, और हॉर्स भी हम बता रहे हैं कि कैसे चलती है, कैसे आवाज़ निकालती है। और ये शिवाय मुझे आइसक्रीम खिला देगा क्योंकि उसे पता है कि मम्मा को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो वो मुझे ज़रूर खिला देगा। और ये हो गई आइसक्रीम कंप्लीट हो गई, जूस भी हमने पी ली है और हमें पूरी एनर्जी मिल चुकी है। अब बारी है नंबर्स की, जो कि शिवाय बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मज़े से पढ़ता है। और अब बारी है हिंदी पढ़ने की, जिससे शिवाय को बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है। ये देखिए वो मुझे पेज भी पलटने नहीं दे रहा है, वो मुझसे बुक छीन ले रहा है क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी ही नहीं है। पर मैं माँ हूँ माँ और मुझे ही जीतना है, तो मैं जीत चुकी हूँ और उसे मैं हिंदी पढ़ा कर रहूँगी। आ से अनार, आ आप से आम, इसे एक उल्लू। के बाद अब बारी है योगा की, और ये मैं शिवाय को योगा करा रही हूँ। शिवाय हालांकि दिल से नहीं करता है, वो बस इसलिए करता है क्योंकि ये मेरा दिया हुआ कमांड रहता है उसको, तो उसे इसे फॉलो करना होता है। नेक्स्ट अब हम बटरफ्लाई योगा करेंगे, और जो कि शिवाय करने में बहुत आनाकानी करता है। ये अजीब बटरफ्लाई योगा है, बटरफ्लाई योगा करने पर भी आदमी बटरफ्लाई नहीं बन पाता है। शायद शिवाय के दिमाग में भी यही क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। और अब मैं इसे रोली पोली कराने वाली हूँ। तो ये तो करता नहीं है, ये गाता है और मुझसे करवाता है और मैं कर रही हूँ। और अभी थोड़ी देर में आपको बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई देगी, जो कि बहुत ही डिफरेंट है। ये देखिए मेरे पति देव का पैर, उनका कहना था कि इतनी अच्छी क्रिएटिविटी तुमने आज तक अपने वीडियो में नहीं दिखाई होगी। और अब मैं हूँ किचन में। किचन में फिर से मेरे पास वही मेरा फेवरेट पतीला है, लेकिन इस बार इस पतीले में चाय नहीं बन रही है दूध के पतीले में। इस बार मैंने इसमें शिवाय के लिए रोटी फुला कर रखा था थोड़ी देर पहले से ही। तो ये देखिए ये शिवाय का खाना है, ये हो चुका है और अब मैं इसे शिवाय को खिलाने ले जा रही हूँ। मेरे इस किचन में इस पतीले का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके किचन में कौन सा ऐसा बर्तन है कि जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है पर डे। और अब बारी है शिवाय को लंच कराने की। शिवाय को लंच कराने के बाद हम लंच करेंगे, लेकिन उससे पहले शिवाय के लंच में क्या क्या रोड़े आते हैं और मुझे किस तरह से उसे लंच कराना पड़ता है, ये आपने पहले भी देख लिया है और आज फिर देखिएगा। ये जब भी लंच करता है तो खींचना, मारना, पीटना, पटकना, मैं खुद एक कार्टून चैनल बन जाती हूँ इसके सामने, और डांसिंग सब कुछ होता है इसके खाने के टाइम पर। शिवाय के लंच के बाद मज़ेदार बात तब हो गई जब हम लंच करने जा रहे थे। लंच के टाइम पे मैंने सोचा है कि नए पिकल का डब्बा जो है वो मैं खोलती हूँ और उसके बाद हम लंच करेंगे। और ये देखिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट में जो भी खाया जो भी पिया उन सब को मैंने पूरी तरह से लगा दिया, यहाँ तक कि मैंने कपड़े से भी कोशिश की खोलने की। ये शीशी आखिरी में मुझसे नहीं खुल पाई और मैं सुपर वुमन नहीं बन पाई, और फिर उसके बाद से मैं थक हार कर मैंने वापस से इस बर्नी को ऐसे ही छोड़ दिया और अपनी पुरानी जो घिसी पट्टी सी बर्नी थी जिसमें से शायद इक्का दुक्का निकल जाए पिकल्स का टुकड़ा, मैंने वही निकाली। और इत्तेफाक से हमारी किस्मत अच्छी थी कि एक टुकड़ा निकल गया। और ये मैंने बनाई है खिचड़ी, चोखा, चटनी धनिया पत्ती की और अचार, और ये हमारा लंच रेडी है। और अब मैं चली लंच करने।
लंच के बाद बारी है शिवाय की। शिवाय देखिए, ये मुझे एलोवेरा जेल निकाल कर लगा रहा है और मेरे फोरहेड पर वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसे पता है कि मेरे जो भी फाइन लाइंस हैं वो सबसे ज़्यादा फोरहेड पर ही हैं और जो फाइन लाइंस होने वाले होंगे वो भी सबसे ज़्यादा फोरहेड पर ही होंगे। इसलिए बेचारा अभी से ही अपनी मम्मा का स्किन केयर कर रहा है और एलोवेरा जेल को मेरे फोरहेड पर लगा रहा है। कोशिश इसकी पूरी रहती है कि ये अपनी मम्मा को हमेशा ब्यूटीफुल दिखा सके पर बेचारा हमेशा नाकामयाब रहता है। नाकों पे किसके फाइन लाइंस आते हैं मुझे नहीं पता, शायद मेरे आ रहे होंगे इसलिए शिवाय लगा रहा है। एनीवेज मुझे खुशी होती है कि शिवाय को मेरी इतनी फिक्र होती है और वो मुझे उसने बिंदी लगाई मुझे और सजाया मुझे और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हमारी बारी है सोने की। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।